हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेखा नीटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न बनाऊंगी। दो कलर का ये पैटर्न है, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। हमने ये लाइन बनाई है, जो एक इस कलर से बनाई है बेस कलर से, और एक इस कलर से बनाई है, ये पैटर्न इस कलर से डाला है, तो ये आप मल्टी कलर में डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसे, ये एक लाइन है, ये अलग कलर से बना सकते हैं आप, और फिर ये अलग कलर से बना सकते हैं, और इसमें बेस कलर चला सकते हैं आप, ऐसे करके भी बना सकते हैं। और यदि आपको इस तरह का पैटर्न चाहिए तो मैं उसको बनाकर दिखा दूंगी आपको अगले वाली वीडियो में। तो यदि चाहिए तो आप मुझे प्लीज प्रतिक्रिया करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि इस तरह का पैटर्न मैं बनाऊं मल्टी कलर में। तो ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, ये किसी भी स्वेटर में आप बनाए अच्छा लगेगा। बेबी स्वेटर में तो दो कलर के पैटर्न अच्छे लगते ही है। और ये पैटर्न हमारा देखिए 6 फंदों का पैटर्न है, और ये 4 सिलाई पर कंप्लीट हो जाता है। फिर अगली 4 सिलाई बनानी होती है, तो इस तरह से ये 8 सिलाई पर कंप्लीट होगा। तो ये देखिए, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। और इसके लिए हमें फंदे चाहिए, 6 के मल्टीपल में 2 फंदे ऐड करने हैं। तो ये पैटर्न हमारा इस तरह से सेट होगा। और ये देखिए, इस तरह का बॉर्डर मैंने बनाया है, गार्टर स्टिच वाला। आप कैसा भी बॉर्डर इसमें बना लीजिएगा, ये मैच कर रहा है इसमें, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो यहां से हम इसको बनाकर देखेंगे। ये बेस कलर है रेड कलर, इससे 2 सिलाई बनानी होती है सीधी सीधी। तो ये 2 सिलाई सीधी सीधी बनानी होती है, इसमें कुछ नहीं करना, इधर से भी सीधी उधर से भी सीधी। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई बनाएंगे, ये भी सारी सिलाई सीधी बनी जाएगी इधर से, क्योंकि हमें गार्टर स्टिच वाला पैटर्न बनाना है ये रेड कलर से। इसमें एक ही तरह की सिलाई आती है दोनों साइड से, तो उधर से भी मैंने सीधी बनाई, इधर से भी सीधी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सिलाई हमने बना ली है रेड कलर से, बेस कलर है ये हमारा। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे येलो कलर। 2 सिलाई इस कलर से आती है, 2 सिलाई इस कलर से आती है। तो पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे, इसके बाद सारे फंदे डबल लपेटे के साथ बनाएंगे इस तरह से। आप ऐसे भी ले सकते हैं, मैंने इस तरह से लिया है। सारे फंदे हम डबल लपेटे के साथ बनाएंगे सीधे। लास्ट रिपीट है, और ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बनाया, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाया। ये तीसरी सिलाई है फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से ये वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। अब 6 फंदे खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। वापस सिलाई पर ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली पे, ये वापस ले लिए हमने। अब देखिए, ये 6 फंदे हैं, ये लास्ट वाले जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों के ऊपर से क्रॉस करने हैं हमें, और इनको हमें उल्टा बुनना है। मैं एक एक बुनूंगी और क्रॉस करती रहूंगी इस तरह से। फिर ये है, और फिर ये लास्ट वाला फंदा, ये हमने 3 उल्टे बुन दिए। अब ये 3 उल्टे बुनेंगे, ऐसे करके ये हमारे 6 फंदे ट्विस्ट हो गए आपस में 3-3 करके। फिर हमें 6 फंदे खोलने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम प्रोसीजर है, वापस सिलाई पर लेंगे। अब देखिए, ये देखिए, ये 6, ये 3 फंदे हैं और ये लास्ट वाले 3 फंदे हैं, हमने ये डिवाइड कर लिए।
फर्स्ट तीन, लास्ट तीन। तो ये जो लास्ट वाले तीन है ये एक एक करके इनके ऊपर से हम क्रॉस करते जाएंगे ऐसे बुन के। इनको आप एक साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद बुन सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है बुनने का ऐसे। और अब इन तीनों को बुन लेंगे ऐसे ही। ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, फिर हम छह फंदे खोलेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, वापस सिलाई पर लेंगे। लास्ट वाले तीन फंदे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनको एक साथ ऐसे क्रॉस कर सकते हैं ऐसे, और सिलाई पर लेकर एक एक करके बुनते जाएंगे। एक हुआ ये, फिर वहीं चले गए, इसलिए वैसे बुनने में फायदा है जैसे मैंने बताया था। अब ये तीन फंदे बुनेंगे, ऐसे ही छह से फंदे खोलते जाएंगे और इन्हें ट्विस्ट करते जाएंगे। ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है ये वाली सिलाई, और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये हुई हमारी चार सिलाई और एक पैटर्न हमारा बन चुका है। अब फिर हमें यही दो सिलाई बनानी है बिल्कुल सीधी रेड कलर से। तो ये दोनों सिलाई मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये इधर से भी सीधी आएगी, उधर से भी सीधी आएगी। फिर इससे अगले वाला पैटर्न आपको बताती हूँ। ये बेस कलर से मैंने दो सिलाई बना ली है, अब हम अगले पैटर्न की तीसरी सिलाई बनाएंगे येलो कलर से। पहले मैंने एक फंदा सीधा बनाया था, अब चार फंदे सीधे बनाऊंगी, एक दो तीन चार। एक बार एक फंदा सीधा बनता है, एक बार चार फंदे सीधे बनते हैं। इस तरह से हमारा ये पैटर्न इस तरह से आता जाता है। पहले यहाँ पे बना, फिर इनके बीच में बना ये फ्लावर, इस तरह से बीच में बनता है। तो बस यही इसमें ध्यान देने की बात है, बाकी सेम वही प्रोसीजर है। अब सारे फंदे डबल लपेटे लेकर बनाएंगे और लास्ट के चार फंदे सीधे बनाएंगे। ये मैं लास्ट में पहुंच चुकी हूँ, देखिए चार फंदे हैं लास्ट के, ये सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। ये अगले पैटर्न की तीसरी सिलाई थी और ये है चौथी सिलाई। ये चारों फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार। अब बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, छह फंदे खोलेंगे ट्विस्ट करेंगे, फिर छह फंदे खोलेंगे ट्विस्ट करेंगे और उल्टे बुनते जाएंगे, दो तीन चार पांच छह। मैं आपको शुरू वाला दिखाती हूँ, लास्ट वाला दिखाती हूँ बना के। ये देखिए, ये तीन फंदे शुरू के छोड़कर फिर एक एक फंदा इनके ऊपर से हम ऐसे क्रॉस करते जाएंगे और बुनते जाएंगे। अब ये तीनों फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब यही करेंगे, छह फंदे खोलेंगे ट्विस्ट करेंगे, छह फंदे खोलेंगे ट्विस्ट करेंगे। लास्ट वाले छह फंदे मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ तक बुन लिया है, ये लास्ट वाले छह फंदे हैं, इनको हम खोलेंगे और इन्हें क्रॉस करेंगे, ट्विस्ट तो नहीं कह सकते, क्रॉस करेंगे इनको, एक दो तीन चार पांच छह। ये छह फंदे हैं और ये लास्ट के चार फंदे थे। वापस लेंगे इन्हें सिलाई पर, ये तीन फंदे छोड़कर ये तीन फंदे लास्ट वाले इनके ऊपर से क्रॉस करेंगे और इनको उल्टा बुनेंगे।
इस तरह से। अब ये तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और ये चारों फंदे भी उल्टे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारी चार सिलाई कंप्लीट हुई। मैंने यहां से आपको बताया था। अब ये फुलार देखिए, ये वाली डब्बी इनके बीच में बनी है, इन दोनों के बीच में बनी है ये। तो इस तरह से आता है, एक बार हम एक फंदा सीधा बनाते हैं और अगले पैटर्न में हमें चार फंदे सीधे बनाने होते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा पैटर्न ऐसे बनता जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।